हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे 11th मैथ्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको सारी वीडियो जितनी भी मैथ की पब्लिश हुई हैं 11th के लिए, सारी आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसेट की। सबसेट का सिंबल क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। और एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लें, एक ए है और एक बी है इधर, और इधर अगर बात किया जाए ए बी सी है, तो क्या बोला जाएगा, दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। ओके, कहने का मतलब सिंपल है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो वाला सेट थोड़ा सा बड़ा होगा और उसके कंपेरिजन में क्या होगा, छोटा होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें क्या होते हैं, लाई होते हैं, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए ए बी, ए कॉमा बी, बता रहा ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। बताइए भाई, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ए बी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है वो इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो रॉन्ग लगा हुआ है, मतलब नॉट सबसेट, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए ई इज सबसेट ऑफ, क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अगर जो हम लोग रिप्रेजेंट करें रोस्टर फॉर्म में तो कैसे करेंगे, वॉवेल का मतलब AEIOU, सिंपल है। ओके, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ये सबसेट है, और यहाँ भी सबसेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, इसको चेक करना इसका सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पे 1 है, जी हाँ, यहाँ भी है, यहाँ 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, अर्थात इसकी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। फोर्थ वाले में देखते हैं, ये देखिए सिंपल, ये एक सेट है जो ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, और इसको चेक करना है कि ये इस सेट का सबसेट है या नहीं। तो इसका एलिमेंट देखते हैं, ए इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब सिंपल है कि ये इसका क्या है, सबसेट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो वो ऐसा कुछ है। फिफ्थ में क्या कह रहा है, देखिए अगर सिंपल, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी है तो वो एक सेट बन जाती है। ठीक है ना, और अगर एलिमेंट लिखा होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं, अगर आप ए बी सी और ये ए के इक्वल मान लीजिए, तो अगर आप इसमें ए कहेंगे तो ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, ये बोलेंगे। और अगर सेट बोलना होगा तो ए इज़ द सबसेट ऑफ, मतलब ऐसा इसको मान लीजिए ए इज़ द सबसेट ऑफ दिस। अब ये चीज़ जो रहेगी वो कर्ली ब्रेसेस में आएगी, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब अगर आप एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो ब्रैकेट नहीं आएगा, और अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, सबसेट आएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ एलिमेंट का आप साइन दे रहे हैं, और यहाँ क्या दे रहे हैं, आप कर्ली ब्रैकेट दे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अभी ये ऐसा कुछ होता, ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो ये चीज़ क्या हो जाती, सही हो जाती। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए फिर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए चाहे तो रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब इवन भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और 6 से छोटा होना चाहिए। तो सिंपल भी बात है, 2, 4 और बस, सिंपल यही ले सकते हैं, क्योंकि यही दो इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या करना है, इस सबसेट ऑफ दिस, मतलब एक्स इज सच दैट इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो
अब क्या ये बताइए, ये सारे नंबर इसको 36 को डिवाइड करेंगे कि नहीं? टू भी कर देगा एंड फोर भी कर देगा। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें इधर लाई हो रही हैं। अगर लाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। मतलब जो चीज़ कह रहा है वो फॉलो हो रहा है, नहीं सिंपल चेक करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ, इवन नेचुरल नंबर और जो इधर है आपका सच ये कर रहा है, सबसेट रिप्रेजेंट करना है एक्स इज सच दैट इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2, 4 और 6 तो जा नहीं सकते क्योंकि उससे छोटा होना चाहिए। और इधर क्या कह रहा है, इस सबसेट ऑफ विच डिवाइड 36, मतलब ये सारे नंबर 36 को डिवाइड कर पा रहे हैं नहीं? तो ये भाई 4 9 36 और 18 2 36, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका मतलब जो ये कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा वो ए इज इक्वल टू दिस 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 गिवन है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ अजीब सा आपको दिख रहा होगा कि ए तो एक आपका पूरा सेट है और उसके अंदर एक सेट और प्रेजेंट है और वो क्या है? 3 4 है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। तो इसको हम लोग ए इज इक्वल टू ऐसा कुछ मान लेते हैं कि 1 है 2 है, ठीक है? और हम लोग इतने को 3 4 को मान लेते हैं, एक्स वाई जो भी मानना चाहिए, चलिए हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और मतलब इस पूरे को मानिएगा, मत कहने का मतलब कर्ली ब्रेसेस 3 4 इस कंप्लीट को मानिएगा एक्स, ठीक है? तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पे एक्स लिख दिया हमने और कॉमा लगा के 5। आई थिंक अब ये हमारा जो है ये इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे को क्या मान लिया? एक्स। अब फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए, अब चीज़ें आसान हो गई। अब क्या कह रहा है, 3 4 इज 3 कॉमा 4 इज सबसेट ऑफ दिस, ट्रू आर फॉल्स, मतलब करेक्ट या इनकरेक्ट? तो बताओ भाई 3 कॉमा 4, अब 3 कॉमा 4 मतलब कर्ली ब्रेकेट के साथ 3 कॉमा 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ? तो आप कहोगे सर एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स इज सबसेट ऑफ ए। बताओ भाई ये चीज़ सही हो सकती है? कभी नहीं सही हो सकती। क्यों नहीं सही हो सकती? क्योंकि अगर सबसेट आ रहा है तो ये चीज़ कर्ली ब्रेकेट में होनी चाहिए, और अगर आप इस पूरे को एक्स मान चुके हैं तो कर्ली ब्रेकेट तो वैसे भी हट जाना है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ, सिंपल आप कह सकते हैं ये चीज़ इस फॉर्म में चेंज हो गई तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा भाई? भाई आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ पूरी चीज़ें, ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखिए, इस पूरे को मैंने क्या माना? ब्रैकेट के साथ सबको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। मतलब हमारा जो चेंज हुआ वो ऐसा कुछ हुआ 1 2 x कॉमा 5, ऐसा कुछ चेंज हुआ। अब इस पूरे को मैं जब एक्स माना हूँ तो सिंपल ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? अब भाई ये बताओ पॉसिबल है ये चीज़? अभी ये अगर एलिमेंट यहाँ लगा होता, मतलब ऐसा कुछ होता तो ये सही हो जाता, बता रहे नहीं समझ में? लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेट तो लगा नहीं है क्योंकि हम ये लेट कर चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? इनकरेक्ट हो जाएगा, चाहे जो भी कहना चाहिए आप कह लीजिए। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा चलिए फिर क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर टू पे आइए, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टू है 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 4 इस पूरे को मैंने क्या माना है? एक्स माना है ब्रेकेट के साथ, इज एलिमेंट ऑफ ए। बताओ भाई करेक्ट है इनकरेक्ट? यही चीज़ मैं आपको ऊपर समझाया हूँ कि एलिमेंट हो सकता है, मतलब ये क्या हो गया? करेक्ट, ठीक है ना? लेकिन अभी ये चीज़ ऐसे आ जाए तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे आके ये आ जाए तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। आई थिंक मैं आपको सारी तरफ से समझा चुका हूँ, अब ये गलती नहीं होगी, ठीक है? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए पूरी चीज़ें, अब इतने पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ भाई कर्ली ब्रेकेट के साथ, देखिए यहाँ पे 2 आपको दे दिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है? तो इस पूरे की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो बाहर वाला तो एक वैसे भी कर्ली ब्रेकेट आया, और इसने की जगह पर मैं एक्स लिख दिया और एक इधर से और आ गया, ठीक है? तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ ए, ट्रू आर फॉल्स? तो अभी मैंने कहा है कि अगर ये चीज़ इस फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगी? ट्रू, मतलब क्या हो जाएगी? करेक्ट, मतलब थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा अब बताइए भाई क्या कह रहा है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो आई थिंक ये चीज़ें सही हो सकती हैं। क्यों सही हो सकती हैं? क्योंकि 1 जो है, 1 आप अगर ध्यान से देखिए तो ये इसका एलिमेंट है और ये ब्रेकेट में है नहीं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब थर्ड वाला कि फोर्थ वाला कौन सा है बताइए? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट है ए का, ठीक है ना भाई? क्योंकि हमारा ए क्या है, ए हमारा ऐसा ही कुछ तो है, 1 एंड देन 2 है या नहीं? आई थिंक चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, 1 2 ए हमारा क्या है? चलिए ए इज इक्वल टू हमारा है 1
टू एक्स, क्योंकि 3 4 है और देन क्या है 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा वन है, देन टू है, फिर हम एक्स माने हैं, देन मैंने क्या माना है 5 माना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है तो ये इसका क्या हो गया एलिमेंट। अब बताओ भाई फिफ्थ वाले में तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर जो हम फिफ्थ वाले की बात करें तो फिफ्थ वाला फिर गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आया। अगर कर्ली ब्रेसेस आता तो ये चीज़ सही हो जाती, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अभी मैं सारा एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा आपका। चलिए भाई सिक्स पे आ जाइए। सिक्स की अगर बात करें, 1 2 5, 1 2 5। और अगर ए की बात करें तो ए हमारा क्या है, 1 2 5, 1 2 5 दिमाग में बैठाए रहिएगा। तो 1 2 5, 1 2 5 सिंपल यही समझते हैं, ऐसा कुछ था 1 2 5, ओके। और क्या कहा था, सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज़ बताइए हो सकती है, नहीं हो सकती है। 1 2 5 इज सबसेट ऑफ दिस, तो ये हो सकता है भाई, क्योंकि ये इसी से तो बन के सारी चीज़ें अब इससे बन रही हैं। तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, ये सब किस में है, ए में है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे थे हम लोग, ये थे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिक्स वाला भी क्या होगा, करेक्ट। अच्छा सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ की बात क्या में क्या होगा भाई, देखिए यहाँ फिर क्या दिक्कत आ गई, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के साथ दे दिया और एलिमेंट कभी कर्ली ब्रैकेट के साथ नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, जो भी कहना हो आप कह लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर एट पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 1 2 3। तो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए और नॉट। तो चलो भाई देख लेते हैं पहले ए है क्या। तो 1 2 3, तो भाई देखो वन हमारा ए क्या है, हमारा ए है जो 1 2 x, 5 है। बताओ यहाँ कहीं 3 है, नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ पे x की जगह पे ये आ गया, लेकिन ये अलग सेट है, वो ए में नहीं है, ठीक है ना। मतलब सेट के अंदर सेट है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मतलब ये सिंपल कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि 3 जो है वो एलिमेंट है 3 जो एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट नहीं है, बल्कि 3, 4 का एलिमेंट है, जो कि आपको सेट में रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। तो ये सिंपली आप मतलब एर्थ वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब बताइए भाई 9 में क्या हो जाएगा, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। भाई मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 5 होता है वो जो होता है वो सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट जो होता है वो 5 होता है, एलिमेंट नहीं होता है, एलिमेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ देखिए सबसेट दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए इज इक्वल टू 1, 2 लिखूँ, तो अगर मैं इसका सबसेट लिखने को कहूँ, या सॉरी माफ करिएगा, अभी अगर जो मैं इसका पावर सेट लिखने के कहूँ पी ऑफ ए, तो आप क्या लिखोगे, 5 1 एंड एक फिर क्या आएगा 2 और फिर क्या आएगा 1 2, मतलब 1 1 2 3 और 4 टोटल इसके सबसेट बनेंगे। तो 5 जो होता है वो सबका क्या होता है, सबसेट होता है, ना कि वो क्या होता है, एलिमेंट होता है सब में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। 9 वाला हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और या फिर आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर 5 मतलब नल सेट होता है और 5 को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है, इज एलिमेंट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब ये बताओ भाई, मैंने आपको बताया अगर एलिमेंट आएगा तो ब्रेकेट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फॉल्स, जैसे भी आप समझना चाहें। अच्छा इससे अगर समझना चाहें तो इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं। तो भाई अगर ब्रेकेट आए तो ये क्या आना चाहिए, सबसेट, मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 10th वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए 11th पे आ जाइए। 11th की अगर जो बात करें तो 11th में क्या है, 11th में सिंपल 5 की जगह पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे इज सबसेट ऑफ ए, ये भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अगर जो कोई भी आप सेट मानेंगे तो वहाँ पे फाई जो है, फाई जो होता है वो
खुद एक तरीके का क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब यहाँ पे कि आप अगर आप ध्यान से देखिए तो एक तो सेट ये फाई की वजह से ये आ गया और यहाँ एक ब्रेकेट ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है। दो ब्रेकेट कैसे हो सकते हैं पॉसिबल, नहीं हो सकते ना, एक होता तो हो जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके चलिए एक बार मैं फिर से आपको पूरी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहला सिंपल क्या हो जाएगा इसमें, पहला आपका सिंपल हो जाएगा क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला क्या होगा जल्दी बता दीजिए आप लोग, सेकंड वाला ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे नीचे लिखना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट लिख रहा हूँ सी में। और अगर फोर्थ वाले की बात करूँ तो फोर्थ वाला अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर जो फिफ्थ की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, और अगर जो मैं सिक्स की बात करूँ इसी साथ तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, और अगर सेवन्थ की बात करूँ तो सेवन्थ क्या था आई थिंक ये इनकरेक्ट हो गया था, और अगर जो मैं साथ साथ एट्थ की बात करूँ तो एट्थ हमारा क्या था, एट्थ हमारा क्या था, एट्थ हमारा हो गया था आई थिंक इनकरेक्ट था, और नाइन्थ वाला हमारा क्या था साथ में, नाइन्थ वाला भी क्या था इनकरेक्ट था। अब मैं और दो और बचा उसको भी देख लेता हूँ, टेंथ वाला हमारा क्या था करेक्ट था, और इलेवेंथ वाला क्या था इनकरेक्ट था। कहीं कोई चीज़ मिस हुई होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको क्लियर कर लिया जाएगा। सिंपल सा बेसिक फंडा समझ लीजिए, अगर जो कर्ली ब्रेकेट आ रहा है तो यहाँ सबसेट आएगा तो क्या होगा करेक्ट होगा, और अगर एलिमेंट का साइन आ रहा है तो यहाँ पे ब्रेकेट नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रेकेट नहीं होना चाहिए तब ये सही होगा। सिंपल से यही दो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है इसके सारे सबसेट लिखना है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए भाई, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, किसी का पावर सेट पी ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ए है, ए इज इक्वल टू, तो इसका क्या होता है टू पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इस सेट में कितने हैं वन, मतलब इसके कितने आएगा टू आ जाएगा, टू इसका सबसेट आएगा टोटल। तो बताओ भाई वो टू क्या होगा, एक तो फाइव होगा चुपचाप, और इसको ब्रेकेट में मत लिखिएगा कभी फाइव को, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ए खुद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई सेकंड वाले का आंसर बताइए, इसके कितने होंगे, तो टू टू द पावर कितने एलिमेंट टू, तो टू पावर टू मतलब फोर होंगे। कैसे लिखेंगे, पहले फाइव लिख दीजिए चुपचाप, दूसरा ए लिख लीजिए, फिर क्या लिखेंगे इसमें दूसरे में, फिर बी लिख देंगे, और फिर इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, मतलब क्या लिख देंगे ए भी लिख देंगे, कितना हो गया एक दो तीन चार, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए भाई एट्थ वाले थर्ड वाले पे आ जाइए, इसमें टू टू द पावर कितने एलिमेंट, तो तीन एलिमेंट, और कितना हो गया एट, कैसे लिखेंगे फाइव पहले लिख दीजिए, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे वन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सबका पहले अलग अलग लिख दीजिए टू लिख दीजिए, और फिर थ्री को अलग लिख दीजिए, फिर भाई देखो इतना हो गया, फिर क्या लिख दीजिए अब दो दो का पेयर बनाइए, तो वन टू लिख दीजिए, अब इसको रिपीट मत करिएगा, ठीक है ना, फिर अगला क्या होगा टू कॉमा थ्री हो जाएगा, और फिर इन को एक साथ लीजिए वन टू थ्री, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, कोई छूटा है क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात, आई थिंक एक आध छूट गया है, और वो क्या है वन, हाँ एक ये छूट गया है वन थ्री, यहाँ पे वन थ्री भी रहेगा भाई, ठीक है, अब इसको रिपीट मत करिएगा, कहने का मतलब वन थ्री है तो उसको थ्री वन मत लिखिएगा, ठीक है ना, वो हो गया एक ही बार, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पहले एक का पेयर, फिर दो का पेयर, और फिर जो बचे तीन का पेयर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब भाई देखिए फाइव का आपको सबसेट लिखना है, तो फाइव का केवल एक ही सबसेट होगा, और वो भी क्या होगा ओनली फाइव, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइव, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका अगर ध्यान से देखिए तो इसमें एलिमेंट अगर मैं पूछूं तो इसमें क्या है टू एलिमेंट तो है नहीं कोई, तो इसका मतलब टू पावर जीरो, और वो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, और वन होगा क्या, वो सिंपल केवल फाइव ही फाइव का हो गया जाएगा सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाइए फिर इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, सेम वही क्वेश्चन है जो ये था वही सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कैसे होगा, ए का इसका क्या लिखना है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए, ए इज इक्वल टू फाइव, तो कोई ए सेट है और वो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ फाइव, अब पूछ रहा है इसमें कितने एलिमेंट है, तो अगर मैं याद कराऊं तो आपको मैं सिंपल वही फार्मूला बताया था टू 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 द पावर एम,
और यहाँ पे अगर एम की वैल्यू आप देखें तो कोई एलिमेंट तो आपको दिख नहीं रहा, तो आप सिंपल फाई को एलिमेंट मत काउंट करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जीरो, क्योंकि फाई जो होता है वो सबसेट होता है ना कि एलिमेंट होता है। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल जीरो। और वही चीज़ फिर हो जाएगी, टू पावर जीरो मतलब वन, मतलब इसका सिंपली अगर जो आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, केवल एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब वो एलिमेंट है क्या, क्योंकि जब मैं इसका ए यहाँ पे फाई किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, एलिमेंट की तरह हो रहा है, ठीक है ना, तो वो एलिमेंट क्या है, वो खुद फाई ही है, ठीक है ना, और वही इसका सबसेट है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको PDF ये प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। बाकी और भी हमारे GK GS और करंट अफेयर की भी PDF रहती हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग अमेजिंग फैक्ट जानते रहते हैं, पर डे मैं एक पोस्ट देता हूँ फेसबुक पे, वहाँ पे आप सर्च करिएगा StudyWithDT और वहाँ पे हमारा पेज मिल जाएगा, उसको लाइक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पर डे एक अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए मिलेगा, जो कि जानकर काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई डाउट रह गया है या कहीं कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।